होमोजीनियस के केस में हमारा क्या जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, तो हमारे पास है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो वी हैव दीज थ्री इक्वेशंस। अब ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों इक्वेशन 0,0,0 सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों जो प्लेन्स हैं, राइट, ये तीनों के तीनों के तीनों जो प्लेन्स हैं ये 0,0,0 यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से तो ये पास करेंगे करेंगे। इसके बाद हमें देखना है कि इसके क्या सोल्यूशन आएंगे, क्या एक से ज्यादा आएगा या नहीं आएगा। ठीक, तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इन केस अगर प्लेन्स ऐसे हुए, ध्यान से देखो, जैसे ये प्लेन वन है, ठीक, एंड ये ओरिजिन से इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक, ये प्लेन टू है, ठीक, ये इस तरीके से, ये सेकेंड प्लेन, तो ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट प्लेन। ये दोनों के दोनों जो हैं ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ये इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे आ रहे हैं। अब जो तीसरा प्लेन है, ठीक, वो ऐसा है, ठीक, तो ये भी यहीं से पास हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दिस केस इनके कितने सोल्यूशन आएंगे, सिर्फ यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक, एंड इन दैट केस यूनिक सोल्यूशन क्या रहेगा, 0,0,0, दैट्स इट, इसके अलावा। अब हमारे इस केस में नो सोल्यूशन तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक, क्योंकि 0,0,0 जो है ये तीनों इक्वेशंस को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो नो सोल्यूशन वाला केस नहीं है। अब इसके अलावा जो इन्फिनेट केसेस हैं वो कब कब क्या क्या पॉसिबल हैं इसके, ठीक है, तो ध्यान से देखना। एक केस होगा जिसके अंदर ये एक प्लेन है, ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना इन्फाइनाइट को। ये एक प्लेन है एंड तुम्हारा ये एक प्लेन है, ठीक, ये दो प्लेन है एंड ये ओरिजिन, दोनों के दोनों ओरिजिन से बात कर रहे हैं, यानी कि ओरिजिन जो है इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है। तो अगर ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है, अगर ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है तो तीसरा प्लेन भी यहीं से पास करना चाहिए एंड इन्फाइनाइट सोल्यूशन होना चाहिए। तो इन दैट केस देखो जरा, अगर इस तरीके से हुआ, तीसरा प्लेन, तो तीसरा प्लेन भी इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ऐसे करके, तो वो भी ओरिजिन से पास कर रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन आ रही है ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं अब इसके, ये जो इनफाइनाइट लाइन आएगी इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं इसके। आई होप क्लियर हुआ। तो अगर ये सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इसके, राइट, एंड ऑल द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लाई अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और वो जो लाइन है कोई भी तीनों प्लेन देखो, पी वन पी टू पी थ्री, इन तीनों प्लेन में से कोई भी दो प्लेन ले लो, उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, समझ आया जी, तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग हमारे लाई करते हैं ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक, दीज आर द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो कि इस प्लेन के अलोंग लाई करते हैं। आई होप क्लियर हुआ। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, ये जितने इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर स्पेशली इस केस में, होमोजेनियस के केस में हमने डिफाइन किया था ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो मैंने तुम्हें बताया था ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, 0,0,0, दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल, एंड ऑल द अदर सॉल्यूशंस जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट जीरो ना हो, ठीक,
दैट आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जितने भी हमारे पास अभी हैं, ठीक, ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं, ये सारे के सारे, इनके अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, दिस इज द ओरिजिन। ठीक, एंड ऑल अदर सॉल्यूशंस आर दी नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएंगे तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन के अंदर इनका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आएगा प्लस नॉन ट्रिवियल भी आएंगे। ठीक, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस ओरिजिन, दिस विल बी दी ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड ऑल दी अदर सॉल्यूशंस जिनका कम से कम एक्स वाई जेड तीनों में से एक जो चीज है वो जो नॉन जीरो है। ठीक, तो इन दैट केस वो क्या रहेगा, हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रहेगा। आई होप क्लियर हुआ। ठीक, अच्छा जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये सारे के सारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक, एंड इन केस सारे के सारे प्लेन्स कोइंसाइड कर जाएं। ठीक, तो अगर सारे के सारे प्लेन्स कोइंसाइड ही कर रहे हैं, ये पहला प्लेन आ गया, ठीक, ये पहला प्लेन है, दूसरा प्लेन भी यही है, ठीक, फिर तीसरा प्लेन भी यही है। तो अब ये सारे के सारे पॉइंट्स ही सोल्यूशन है, और यहाँ पे एक पॉइंट ओरिजिन आ जाएगा। ठीक, एंड बाकी सारे के सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे सोल्यूशन है। राइट, ऑल दी अदर पॉइंट्स आर नॉन ट्रीवियल एंड ओनली ओरिजिन इज अ ट्रीवियल सोल्यूशन। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जब इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक, तो दिस इज द ट्रीवियल सोल्यूशन। ठीक, जब इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो 0,0,0, यानी कि वो ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन होगा। एंड इन केस इट इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक, तो इन दैट केस ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस के केस में, इन केस ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशंस, ठीक, अगर तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो वो कौन सा होगा, 0,0,0 ही होगा। ठीक, तो इन दैट केस इट विल बी अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। एंड इन केस अगर हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हुए, तो इन दैट केस हमारा ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल दोनों होंगे। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दो केसेस हैं, या तो ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग लाई करेंगे, या तो ये, अगर तीनों के तीनों प्लेन कोइंसिडेंटल हो गए, तो ये प्लेन के अलोंग लाई, इस तरीके। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, अच्छा, अब यहां से ये भी चीज क्लियर है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है ये कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये हमेशा ट्रिवियल के साथ ही आ सकता है, इसके अलावा ये अकेला नहीं आ सकता, ये समझ। ठीक है, ये अकेला कभी नहीं आ सकता, ये अगर आएगा तो ये ट्रिवियल के साथ ही आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें बोला जाए होमोजीनियस के, इट हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और साथ में ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, तो किसी को अभी तक कोई भी डाउट है, ठीक, तो प्लीज पूछो, अनम्यूट करो, प्लीज पूछो। आदित्य, क्लियर हुआ क्या बताया मैंने? हाँ हो गया क्लियर सर। यस जी, अनन्या, अर्नव, चिराग, सर। दक्ष, यस सर। काव्या, यस सर। राजवीर, यस सर। शुभम, हाँ जी सर। हाँ जी, स्तुति, यस सर। गुड गुड, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना अभी। ठीक है, तो दिस वाज द टोटल थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, इसके अंदर जो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करने वाला पार्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ठीक है, इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं एंड इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो पेन एंड नोटबुक वगैरह पकड़ लो अभी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं
ये सिर्फ मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये तुम भी साथ साथ में सॉल्व करोगे, ठीक है, जो अभी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक, तो हाँ जी, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या बोल रहा हूँ। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस के वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस के वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन, ठीक, x कोमा वाई कोमा जेड सोल्यूशन है इसका, then in that case xz plus y square will be equal to, ठीक, then xz y square is equal to क्या होगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बताओ। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना नहीं, सॉल्व कैसे करना वो तो बाद की बात है, पहले समझना है क्वेश्चन को हमें, ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले वो समझो। बिल्कुल, देखो अब ना इसने किसकी बात की, देखो हैज नॉन जीरो सॉल्यूशंस, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन के नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसके इनफाइनाइट, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते, आई होप क्लियर हुआ, ठीक, कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो एक लाइन के लॉन्ग लाई करते हैं या तो एक प्लेन के लॉन्ग लाई करते हैं, बट जैसा भी है, ठीक, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें पता होना चाहिए कि किस केस में आते हैं, ठीक है। तो जैसे ये चीज आ गई, ठीक है, अगर मैं क्रैमर्स रूल भी लगाने वाला हूँ, ठीक है, या नॉन क्रैमर रूल भी लगाने वाला हूँ, तब भी मेरे को क्लियर होना चाहिए कि इन दैट केस होता क्या है, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन के केस में मेरे पास क्या होता है, डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, ठीक, डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। इन जनरल होता क्या था, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन, नॉन होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री, ठीक, इन जनरल हमारे पास ये चीज होती, ठीक, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। फिर हम क्या करते थे, ए वन एक्स सॉरी ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री इंटू एक्स वाई जेड, ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू डी वन डी टू डी थ्री, ये ऐसे बना देते थे, ठीक है। अब जैसे ये चीज बना ली हमने, इस चीज को नाम देते थे हम डेल्टा, नहीं डायरेक्टली नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो शुभम, के हमें पता नहीं, के निकालना पड़ेगा उसके बाद जाके फिर क्रैमर रूल लगा सकते, डायरेक्टली नहीं। अच्छा नहीं नहीं नॉन होमोजीनियस के थ्रू मैं बेसिकली क्रैमर रूल तुम्हें बता रहा हूँ कि होमोजीनियस के ऊपर कैसे लगेगा, ठीक है, क्या स्पेशल केस है, तो वो चीजें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, तो इसलिए ये चीज बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, जब होमोजेनियस केस होता है तो ये वाली तीनों की तीनों चीजें क्या होंगी, जीरो, राइट, तो ये मेरा बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू जीरो इस तरीके से। अच्छा चलो हम क्रैमर्स रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रैमर्स रूल के अंदर अगर देखा जाए तो हमारा जो डी वन डी टू डी थ्री है ये तीनों के तीनों जीरो जाएंगे, तो अगर डी वन डी टू डी थ्री जीरो है ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये तीनों की तीनों चीजें जीरो होंगी। अब अगर ये तीनों के तीनों चीजें जीरो है, ठीक, तो अब ये सोचो कि जब मैं डेल्टा वन निकालूंगा तो डेल्टा वन के अंदर क्या होता है, इट्स अ डिटरमिनेंट ऑफ, यहां पे आता है डी वन डी टू डी थ्री, एंड डेल्टा टू के अंदर क्या होता है,
सेकेंड कॉलम के अंदर आता है D1, D2, D3 एंड थर्ड कॉलम के अंदर डेल्टा 3 के अंदर आता है थर्ड कॉलम के अंदर D1, D2, D3, तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो। आई होप क्लियर हुआ, क्यों? क्योंकि इस केस में फर्स्ट कॉलम 0 0 0 हो जाएगा, इस केस में सेकंड कॉलम 0 0 0 हो जाएगा, इस केस में थर्ड कॉलम 0 0। तो कहने का मतलब डेल्टा 1 जीरो होगा, डेल्टा 2 जीरो होगा, डेल्टा 3 जीरो होगा, ये होगा ही होगा तुम्हारा जीरो इन केस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। अगर हम होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर क्रैमर रूल लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन दैट केस वो चीज तीनों के तीनों जो है ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये जीरो होंगे ही होंगे, ठीक। ये कभी भी नॉन जीरो आ ही नहीं सकता, तो इसीलिए अगर ये चीज नॉन जीरो नहीं आ सकती तो यहाँ से जो हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस आता था कि एनी एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, वो तो एलिमिनेट हो गया, तो इसलिए इसका जो है कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर ये चीज जीरो हो गई तो ये जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो केस बन जाएगा, तो इनफिनिट सॉल्यूशन आ जाएंगे। एंड अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या जाएगा फिर? यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज जीरो। तो बेसिकली याद रखो होमोजीनियस के केस के अंदर हमारा डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो होंगे ही होंगे इन केस ऑफ होमोजीनियस, ठीक। साथ में अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाए या डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो इन दैट केस हमारा क्या जाएगा? यहाँ पे जाएंगे इनफिनिट सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे जाएंगे हमारे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। तो बेसिकली अभी हमें होमोजीनियस केस के अंदर वो किस सॉल्यूशन की बात कर रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इट इज नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसके इनफिनिट सॉल्यूशन है। तो बेसिकली इनफिनिट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि डेल्टा जो है ये जीरो ही होगा। तो अब यहां से हमें ये चीज दिमाग में आई कि ये डेल्टा इक्वल टू जीरो की बात, आई होप क्लियर हुआ। तो अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है तो क्या जाएगा डेल्टा, ठीक, ध्यान से देखो, एक्स ए वाई, ठीक। तो सॉरी कोफिशियंट्स हमें लेने हैं, ठीक है। तो कोफिशियंट्स क्या जाएंगे हमारे, देखो 1k3 देन 3k-2 देन 2 4-3 का डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। आई होप क्लियर हुआ, ठीक। इस तरीके से ये चीज जाएगी हमारी, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो जरा अब क्या करेंगे, ठीक है। तो अब k की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज 1 × -3k -8 - k (-9) - -4 तो +4 एंड +3 × 12 - 2k, सो दैट इट शुड बी जीरो। तो दिस इज योर -3k + 9k and -6k, ठीक। सो दिस कम्स आउट टू बी योर -3k + 9k - 3 to the 6k and +8। अच्छा एक सेकेंड, ये 9 and 4 होता है -5 into -k + 5k आएगा, ये +5k आएगा, ठीक। अच्छा, देन बचा 8 एंड देन बचा 12 × 3 = 36 इक्वल टू जीरो। तो ये 3k - 3k and +2k आ गया, ये आ गया -4k, तो ये 44 = 4k, तो k की वैल्यू आ गई 11। तो k अगर 11 है तो जाके इसके इनफिनिट सॉल्यूशन जाएंगे, ये चीज बोलने की कोशिश कर, ठीक। तो k की वैल्यू 11 के लिए ये तो आ गया। अब k की वैल्यू 11 पुट करके इनफिनिट सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन वो इनफिनिट सॉल्यूशन अभी हमें निकालने हैं वायदा, ठीक। तो ध्यान से देखो, एक सेकेंड जगह बनाते हैं। अब देखो, जैसे इनफिनिट सॉल्यूशन तुम्हें मैंने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में निकालने के लिए बताया था, वैसे ही इनफिनिट सॉल्यूशन हम इधर होमोजीनियस इक्वेशंस में भी निकालेंगे। तो एक के की वैल्यू आ गई 11 हमारे लिए, तो x + 11ky + 3z = 0, ठीक। 3x + ky - 2z = 0, सॉरी k की जगह 11 आ जाएगा, ठीक। देन 2x + 4y - 3z = 0। अब इसमें से कोई भी दो इक्वेशंस को पकड़ो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ठीक, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
ठीक, एंड जेड को के ले लो, तो लेट से मैंने इन दोनों इक्वेशन को पकड़ा, ठीक, इसके अंदर प्लस थ्री जेड एंड माइनस थ्री जेड आ रहा है, तो अब मैंने जेड को के ले लिया, ध्यान से देखना इन्फिनिट सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। जेड को मैंने के ले लिया, मेरा बन गया एक्स प्लस इलेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री के, एंड यहाँ से टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू थ्री के, ठीक। नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ के, तो ध्यान से देखो इसको टू से मल्टीप्लाई किया, तो टू एक्स प्लस ट्वेंटी टू वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स के, एंड अब मैंने दिस माइनस दिस कर दिया, तो वो बन गया ट्वेंटी टू माइनस दिस दैट इज एटीन वाई, ठीक, ट्वेंटी टू माइनस फोर एटीन वाई दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस नाइन के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के बाय टू, ठीक, तो y की वैल्यू आ गई माइनस के बाय टू, तो y की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, x क्या आ गया माइनस थ्री के माइनस इलेवन वाई दैट इज माइनस थ्री के माइनस इलेवन इंटू y की वैल्यू माइनस के बाय टू दैट इज माइनस थ्री के प्लस इलेवन बाय टू के, तो दैट इज नथिंग बट माइनस छः हो जाएगा, तो इलेवन में से छः गए फाइव, इसीलिए फाइव आ जाएगा अभी, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, तो ये आ जाएगा फाइव के बाय टू दैट इज एक्स, ठीक। अब ध्यान से देखो x y z जो है ये तीनों के तीनों हमें किसकी फॉर्म में मिले k की फॉर्म में। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, दैट इज हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर x z by y square निकालो, ठीक, तो x z by y square क्या होगा, देखो x into z by y square दैट इज इक्वल टू 5k by 2 into z की वैल्यू क्या जा रही है k डिवाइडेड बाय y square, तो y का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा k square by 4, तो वो 4 ऊपर चला जाएगा, ये के स्केर के स्केर कटा, ये टू कटा इसके साथ, तो ये आ गया टेन, तो बेसिकली इसका आंसर टेन इस तरीके से, ठीक, तो टेन आंसर है। आई होप क्लियर हुआ, समझ आया क्वेश्चन क्या था, ठीक। तो अगर मैं पूरे क्वेश्चन को दोबारा अभी समझूं, ठीक है, तो क्या करने की कोशिश कर रहा है वो, तो तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, तो तीन इक्वेशन से वो पहले मेरे को चाहता था मैं पहचानूं कि इक्वेशंस जो है, ठीक है, किस टाइप के होमोजेनियस। अब होमोजेनियस की या तो इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अब इन्फिनिट है या यूनिक है वो उसने दे रखा है एज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो अगर उसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है यानी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, एक तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को पता होना चाहिए कि नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो इन्फिनिट के साथ एग्जिस्ट करेगा, तो इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन। अब इन्फिनिट सॉल्यूशन के अंदर मेरे को पता होना चाहिए क्रैमर रूल के अंदर ये होमोजेनियस के केस में क्या होता है कि डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तो हमेशा जीरो होता है, तो अगर डेल्टा भी जीरो हो गया तो इन दैट केस इनफिनिट सॉल्यूशन जाएंगे, और अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ, ठीक, डेल्टा अगर जीरो नहीं हुआ तो इन दैट केस जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज जीरो। इस केस में वो इनफिनिट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो डेल्टा को जीरो कर दिया, तो सबसे पहले डेल्टा को जीरो पुट करके हमने के निकाला, के पुट जो भी वैल्यू आई के को वापस पुट करके तीन इक्वेशन आ गई, उनमें से कोई भी दो पकड़ो, एक वेरिएबल वो के ले लो, बाकी दोनों को के की टर्म्स में निकाल दो, ठीक। इस तरीके से हमें वो के की टर्म्स में एक्स वाई जेड तीनों के तीनों के की टर्म्स में आ जाएंगे, और वो जो के की टर्म्स में है वो जो ये पूछ रहा है उसके अंदर हमने डाला तो बस आ गया, बात कर रहा हूँ, समझ आया क्या किया, हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज बताओ। जब z को k ले लिया तो उसके बाद जो दो इक्वेशंस आई उनको मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं जैसे मर्जी करो, नहीं उसके बाद तो जैसे मर्जी सॉल्व करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओके ओके, ठीक है ना, उन दोनों को तो जैसे मर्जी सॉल्व करो, ओके सर, हां जी। और किसी को कोई डाउट, क्लियर हुआ, ठीक, अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर थ्री लिख रखा है, हाँ जी, तो ए मैट्रिक्स एक दे रखी है, ठीक है, अब ध्यान से चेक करोगे अगर तो ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, ठीक, अपर वाले डायगनल के मेन डायगनल के अपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं, बी दे रखा है ए की पावर ट्वेंटी होगा, तो अब वो बोल रहे हैं देन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द बी इज,
बी जो आएगा दैट इज ए की बार 220 करके जो आएगा ठीक, उसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट जो होंगे उनकी सम की करके जो आएगी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे पहले सोचो फिर बताओ। ठीक पहले सोचो फिर बताओ क्या करोगे। सर इसके अंदर टीटीडी आ जाएगा। हाँ जी चिराग क्या बोलो, ए स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं बन रहा, ए स्क्वायर आइडेंटिटी बन रहा? नहीं मैं करके नहीं देखा अभी वैसे भी। नहीं सोचो अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाए एक बार 20 करूंगा, एक सेकंड राजवीर एक सेकंड, अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी बन रहा है तो भाई ये सोचो कि ए की पावर उसके बाद आगे पावर रेज करूंगा ठीक है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ये सारे आइडेंटिटी बन जाएंगे, तो एक बार 20 को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर 410 टाइम्स सारे आइडेंटिटी, तो वो नहीं हो सकता ना क्योंकि इसके आंसर चेक करो। हाँ राजवीर क्या बोल रहे थे, ए को स्प्लिट कर दो आइडेंटिटी में और एक और मैट्रिक्स बनती है। बिल्कुल 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 सही ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, इसको ए को हमने एक जगह बना लेते हैं, हाँ जी, तो जो ए है उसको हमने एक तो 1000100001 प्लस जो दूसरी बची दैट इज 0001001110 इसमें हमने तोड़ दिया, इसको बी नाम दे दिया, तो ये आई प्लस बी बन गया। अब ए की पावर 20 करना है तो आई प्लस बी की पावर 20 हो जाएगा ठीक, तो क्या चला जाएगा अब ये क्योंकि कम्यूट करते हैं तो नॉर्मल इसका हम खोल सकते हैं, तो 20c0 बी की पावर 0 तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, प्लस 20c1 बी की पावर 1 प्लस 20c2 बी की पावर 2 प्लस 20c20 बी की पावर 20। अब हमें देखना है कि बी की कौन सी पावर है जो 000 जा रही है, तो बी स्क्वायर हमने देखा बाय द वे क्या जा रहा है 000100110 ठीक इनटू 000100110 ठीक, सो दैट इज इक्वल टू ठीक, तो ये तीनों जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई के 0, फिर ये तीनों 0 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई के भी 0, फिर ये भी 0, फिर दिस इनटू दिस किया, तो ध्यान से देखो 1 × 0 0 0 × 1 0 0 × 1 0 फिर इन तीनों को इन तीनों के साथ करके 0 ठीक, अच्छा इन तीनों के साथ किया ठीक, तो दैट इज 1 × 0 0 लेकिन 1 × 1 1 आ गया ठीक, एंड 0 × 1 0 तो ये 1 बचा, फिर आगे जाके ये भी 0 आगे 0, तो बेसिकली ये आ गया तुम्हारा बी स्क्वायर ठीक। अच्छा बी स्क्वायर अगर ये चीज आ गई तो बी क्यूब करूंगा ठीक है, अब करना इजी हो जाएगा मेरे लिए बी क्यूब, तो मैंने किया बी क्यूब ठीक, तो देखो जरा बी स्क्वायर बाय द वे 0 नहीं आया, तो बी क्यूब किया जाएगा तुम्हारा 0 0 0 0 0 0 1 0 0 So this is b square into b. That is 0 0 0 1 0 0 1 1 0 ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज, ये 0 तीनों 0 0 0 0 ये तीनों 0 तीनों के साथ मल्टीप्लाई होके 0 0 0 अब ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0, ये चीज तो b क्यूब के आगे वाली सारे के सारी टर्म्स 0, तो बेसिकली ये सारे के सारी टर्म्स तुम्हारी 0 चली जाएंगी, तो ये तीन टर्म्स तुम्हारी बची ठीक, क्या क्या टर्म तुम्हारी बची एक ध्यान से ऑब्जर्व करना। हाँ जी, तो तुम्हारी टर्म्स बची दैट इज ए की पावर 20 दैट इज इक्वल टू 20c0 दैट इज 1 इनटू आई दैट इज आई प्लस 20c1 होता 20 तो 20 इनटू बी प्लस 20c2 तो दैट इज 20 इनटू 19 बाय 2 तो 2 पे कट गया 190 इनटू बी स्क्वायर, तो देखो 1000010001
plus 20 times p, that is 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, plus 190 times, this is b square. B square kya ja raha mera? That is 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ab dekho, mere ko chahiye kya? Theek? Mere ko chahiye some of the elements of the first column of p. So, pehli column mein kya raha hai? Dekho, 1, 0, 0. So, that is 1, 0, 0. Agli column mein kya raha hai? Dekho, 20 into 0, 20. Theek? Phir 20, phir 20. So, 0, 20, 20. Phir. इसके अंदर क्या जा रहा है तुम्हारा 00190 00190 अब ये इन तीनों को ऐड करना है इन तीनों को ऐड करके क्या 1 इन तीनों को ऐड करके 20 इन तीनों को ऐड करके 210 तो इन तीनों को अब देखो ये आ गया फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स का सम कितना जा रहा है 231 तो 231 इज द फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स का सम ठीक तो 231 इज आंसर समझ आया क्या किया ठीक तो ये सोचो कि ये बहुत क्विकली सोचना होता है ठीक है तो इन्हीं के टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अभी इनकी ही हम प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट प्लीज बताओ सर हां जी सर मतलब मैंने इसको किसी और तरीके से किया है जैसे अगर हम a की पावर a जैसे दिया हुआ है अगर हम a स्क्वायर निकाल लें और उसके बाद a क्यूब निकाल लें तो एक पैटर्न बन रहा है और आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो बिल्कुल बिल्कुल आप पैटर्न पे ऑब्जर्व कर सकते हो हां देखो वो पैटर्न एक्चुअली में निकालना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है कई बार पैटर्न वो समझ नहीं आता कि कौन सी सीरीज बन रही है तो इसके लिए हमें फिर पता क्या करना पड़ता है देखो a a स्क्वायर a क्यूब ठीक है तीन टर्म्स तो आ गए कई बार तीन टर्म से पैटर्न पता नहीं चलता फिर हमें a की पावर 4 निकालना वो ज्यादा ऑपरेशन चले जाते हैं ठीक है तो इसीलिए मतलब पैटर्न ना पहचानना पड़े और हमारे पास कंफर्म आंसर आ जाए यही वाला बाय द वे वो गलत नहीं है अगर आप पैटर्न पहचान सकते हो ठीक है तो कोई दिक्कत ठीक है हां जी अब फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा फोर्थ क्वेश्चन में करके बताओ मेरे को क्या आ रहा है ठीक एंड इन चीजों को ओरली तुम्हें याद रखना है अच्छा आज के लिए ना तुम्हें एक और काम करना है ठीक सारा जो है पहले तो ये बताओ साथ-साथ में थ्योरी कर ली थी तुमने नोट ठीक है ना नोट की हुई है ना थ्योरी जी सर यस सर कोई है जिसने थ्योरी नोट नहीं की हुई है अभी तक जिसकी बची है थ्योरी ठीक ठीक तो अब ना तुम्हें आज एक काम करना ठीक है पूरा का पूरा चैप्टर आज पकड़ के तुम्हें रिवाइज करना एक पूरा का पूरा चैप्टर पकड़ के आज तुम्हें रिवाइज करना अब वो कैसे करोगे ठीक तो तुम्हें बनाने हैं शॉर्ट नोट्स याद रखना मेरी बात अगर तुमने आज शॉर्ट नोट्स ना बनाए ठीक तो तुम चैप्टर भूलना शुरू हो जाओगे तो चैप्टर भूलना नहीं है इसको याद रखना है ताकि किसी भी मोमेंट पे मैं इसका तुम्हें तुमसे टेस्ट ले सकता हूं ये चीज याद रखना ठीक है तो तुम्हें अगेन करना क्या है ये शॉर्ट नोट्स तुम्हारे बना के रखने हैं तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा ऑन द स्पॉट रिवाइज हो जाएगा तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके डे 1 से लेके अभी तक जो हमने किया है उसके अंदर जो जो चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है ठीक एक सिंगल शीट वन साइड सब कुछ ए टू जेड लिख लो दैट्स इट सॉल्यूशंस ऑफ ये हो गया एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हो गया इनवर्स की प्रॉपर्टीज हो गया सिमेट्रिक हो गया स्क्यू सिमेट्रिक हो गया ठीक है तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हो गया ये जितने भी चीजें लिख सकते हो लिख लो पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा एक ही दिन के अंदर अंदर रिवाइज हो ठीक है तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था अब एडजॉइंट का वो चीजें अगर मेरे को याद होती सारी की सारी मैं ऑन द स्पॉट निकाल सकता हूं इनफैक्ट इसको निकालना ही ऑन द स्पॉट ठीक हां जी तो फोर्थ क्वेश्चन करो जरा जल्दी बताओ जरा क्या आएगा करो सर फोर्थ ऑप्शन फोर्थ का फोर्थ ऑप्शन ये इनकरेक्ट वाला बताना है आपको ये याद रखना क्वेश्चन में क्या बोला उसने नॉट ऑलवेज ट्रू
करेक्ट वाला तो नहीं बता रहे काव्या? नहीं सर। हाँ फोर्थ का फोर्थ ऑप्शन आप बोल रहे हो ना। ओके ओके एडजॉइंट ऑफ ए इसकी बात कर रहा है। ऑब्वियसली सी या डी दोनों में से एक तो हो गई होगा ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए बोल रहा है वो ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स या फिर बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ठीक है। तो दोनों में से देखते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे वो सेम चीज की बात कर रहा है एंड राइट हैंड साइड में वो एक में ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर है एक में ए डिटरमिनेंट की बात कर रहा है एंड ये भी चीज सेम है। तो ऑब्वियसली या तो सी ट्रू होगा या तो डी ट्रू होगा, दोनों में से एक ही चीज होगी, दोनों के दोनों साफ नहीं हो सकते ठीक है। चलो अब इस चीज को देखते हैं कि सर मेरा बी भी आ रहा है। बी ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है? नॉट ऑलवेज ट्रू। चलो कोई बात नहीं देख लेते हैं ठीक है। तो हमारे पास क्या होता था a into adjoint of a that is equal to a determinant into i, हमारे पास ये एक स्टेटमेंट होती थी, इसके थ्रू हम सारा का सारा चलने की कोशिश करते थे। देखो a को उधर लेके गए तो ये चला जाएगा adjoint of a that is a determinant into a inverse into i that is a determinant into a inverse बन जाएगा। तो adjoint of a जो आया that is a determinant into a inverse आया, तो पहला वाला तो true ठीक। अब इसके अंदर ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया तो ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, और इधर चला जाएगा तुम्हारा ए डिटरमिनेंट की जगह आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट का ऑफ ए का इनवर्स। अब एडजॉइंट, अब उसने दे रखा है 3x3 इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन ठीक, यानी कि 3-1 तो ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर जाएगा, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स आ जाएगा, यानी कि ये चीज आ रहा है। उस थर्ड भी ट्रू है, यानी कि ऑब्वियसली फोर्थ वाला जो है ये फॉल्स होगा ठीक। तो फोर्थ वाला फॉल्स होगा हमारा ठीक है। अच्छा अब ये चीज, अब ये चीज शुभम ये कैसे आई तेरी? सर मैंने 3x3 देखा ही नहीं। ओके हाँ तो पंखा ओके ओके अब ना ये काम करते हैं ठीक है। तो ध्यान से देखना ये चीज, ये पकड़ा हमने a into adjoint of a ठीक इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू आई, तो ए डिटरमिनेंट को हमने नीचे ले आया, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स होगा वो ये होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स है दैट इज ए बाय ए डिटरमिनेंट होगा, तो वो वाली वैल्यू इधर पुट कर दी, क्या चला जाएगा ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर इनटू ठीक दैट इज ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट कटा तो ये आ जाएगा ए डिटरमिनेंट इनटू ए ठीक। तो यानी कि मेरा क्या बना एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इनटू ये चीज बन गई, एंड जैसे ये चीज बनी एडजॉइंट ऑफ ठीक, तो जैसे ये चीज बनी मेरा बी भी ट्रू आ गया ठीक। तो जो डी ऑप्शन बचा दैट इज इनकरेक्ट। हाँ जी यहाँ से देखो क्लियर हुआ आदित्य? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी से हमने स्टार्ट किया, कोई भी रटी हुई नहीं है। हाँ जी स्तुति बोलो। इससे बता दो कौन सा वाला पार्ट? सर ये नीचे वाला लास्ट वाला पार्ट। हाँ तो पहले तो ये समझो कि हमारे पास ये चीज आ चुकी थी ठीक, यानी कि ये ट्रू आ चुका था हमारे पास सी ऑप्शन ठीक। तो सी ऑप्शन में क्या आया था हमारे पास, ध्यान से देखो सी ऑप्शन में आया था कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है ठीक दैट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स है ठीक है। तो ये ट्रू आ चुका है। अब हमने देखा कि इसकी वैल्यू अगर मैंने पुट की ठीक, तो मेरे पास आगे चीजें आने के चांसेस हैं ठीक। तो क्या क्या आ सकते हैं ठीक है, वही चीज हमें देखनी है। तो हाँ जी तो हमारे पास क्या आया देखो जरा, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे हमने स्टार्टिंग में देखा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए
दैट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इनटू आई आया तो ए डिटरमिनेंट को मैं नीचे लेके आया तो ये ए बाय ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई बन गया। देखो बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं ए के नीचे भी रख सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे भी रख सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है कहाँ पे रखना। और जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली प्लेस करने की कोशिश करते हैं ये चीज़ आप ठीक है। जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे इसको प्लेस करने की कोशिश करेंगे, एज इट इज नहीं रखेंगे ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे ही रखना है, बस ये चीज़ याद रखना ठीक है। तो फिर हमने क्या किया यहाँ से देखा ये चीज, तो दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज आई, यहाँ से पता चला कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स है दैट इज नथिंग बट ए बाय ए डिटरमिनेंट होगा। तो ये वाली वैल्यू पकड़ के हमने इधर पुट कर दी, तो जैसे ही इधर वैल्यू पुट की ठीक तो ये क्या बन गया ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर इनटू ए बाय ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट कटा तो ये आ गया ए डिटरमिनेंट। यहाँ से हमें पता चला कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ए डिटरमिनेंट इनटू ए बी होगा, समझ आया। तो इस तरीके से हमारी जो ये ऑप्शन बी टू चली गई, तो हमारे पास ए बी सी ऑप्शन टू हो गई, तो आंसर इज डी। हाँ जी क्लियर हुआ स्तुति? हाँ जी सर। दिया क्लियर है आपको? यस सर। राजवीर? यस सर। दक्ष? आंसर बोल दिया सर वैसे। ओके दक्ष? यस सर। अर्णव? चलो ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन किया हमने। फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा, सॉरी हाँ फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा, ऑब्जर्व करो क्या चीज है। ये काफी फेमस टाइप का क्वेश्चन है सर, इसके अंदर वो पावर 2015 करना रहता है। सर डी आएगा। डी आएगा क्यों कैसे? सर पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती है तो क्या क्या है? पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती है। बिल्कुल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। पी इनटू पी ट्रांसपोज आई हो जाएगा। आई हो जाएगा बिल्कुल। जब हम क्यूब को ऐसे स्क्वायर करें तो फिर वो आ जाता है पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज। बिल्कुल सही बिल्कुल उसका निकाल लिया और बिल्कुल सही एकदम पैटर्न बन गया। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो हमें जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ठीक उसका हमें वापस याद आ जाना चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है ठीक। मैंने तुम्हें बताया था कि ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसके जो रोज होती हैं ठीक ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? यूनिट वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ये उसको रिप्रेजेंट ठीक। यानी कि पहले वाले का और दूसरे वाले का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा। तो ये चीज हमें पी को देखते क्लियर हो जानी चाहिए कि पी क्या चीज जा रहा है। रूट थ्री बाय टू वन बाय टू माइनस वन बाय टू रूट थ्री बाय टू। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए यूनिट वेक्टर ठीक। इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर अंडर द रूट करूंगा वन आ जाएगा। ऐसे इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर अंडर द रूट करूंगा तो वन आ जाएगा ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ यूनिट वेक्टर एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर।
अब मैंने इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो रूट थ्री बाई टू आई कैप प्लस वन बाई टू जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद माइनस वन बाई टू आई कैप प्लस रूट थ्री बाई टू जे कैप ठीक तो ध्यान से देखो इसका इसके साथ दैट इज माइनस रूट थ्री बाय फोर प्लस इसका इसके साथ दैट इज अगेन प्लस रूट थ्री बाय फोर इक्वल टू जीरो यहाँ से क्लियर हो गया कि यस ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है तो ये जो मैट्रिक्स है इट इज नथिंग बट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ठीक है तो यहाँ से तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए यस इट्स एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो पी इंटू पी ट्रांसपोज जो है ये आई होता है तो ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए तो कहने का मतलब है P into P transpose जो है ये I हो ये एक तो चीज क्लियर फिर जो हमें Q दे रखा है Q की पावर करनी है 2015 ठीक तो Q का स्केयर किया सबसे पहले वो क्या जाएगा पी ए पी टी इंटू पी ए पी टी ठीक ये चीज आएगी अब ध्यान से देखो P into P transpose ये तो I हो गया तो क्या बचा मेरा P into A square into P transpose इट इज Q square फिर इसको दोबारा मैंने क्यू क्यूब निकाला वो आ जाएगा पी ए स्केयर पी टी ठीक पी ए स्केयर पी टी इंटू दोबारा क्यू आ जाएगा तो क्यू क्या आ जाएगा पी ए पी टी इस तरीके से आ जाएगा ये क्यू क्यूब आ जाएगा फिर ये दोनों का प्रोडक्ट जो है ये आई आ गया ठीक ये दोनों का प्रोडक्ट आई आ गया तो ये क्या बन जाएगा पी ए क्यूब इंटू पी टी That is Q की पावर थ्री तो कहने का मतलब ये है क्योंकि Q का स्केयर निकाला वो ए स्केयर बीच में आ गया P पी टी क्यू क्यूब निकाला वो A की पावर थ्री बीच में आ गया P पी टी ऐसे Q की पावर 2015 निकालूंगा ठीक 2015 तो आ जाएगा P A की पावर 2015 पी टी ठीक याद आएगा पी ए की पावर 2015 पी टी याद आएगा अब देखो मेरे को चाहिए क्या पी टी पहले चाहिए फिर क्यू की पावर 2015 चाहिए फिर पी चाहिए ठीक तो सबसे पहले मेरे को चाहिए पी फिर चाहिए क्यू की पावर 2015 फिर चाहिए पी की पावर टी आई होप यही था पहले पी की पावर टी चाहिए ये चीज़ चाहिए तो सबसे पहले P की पावर T रखा फिर Q की पावर 15 की वैल्यू ये वाली वैल्यू इधर रखी दैट इज P E 2015 ठीक एंड P की पावर T एंड ये वाला P है दैट इज तो ये दोनों के दोनों अगेन आई आई हो गए तो बचा A की पावर 2015 सो बेसिकली जो चीज मेरे को निकालनी है ठीक दिस मस्ट बी इक्वल टू A की पावर 2015 यानी कि मेरे को A की पावर 2015 निकालनी आई होप क्लियर हुआ अब ए की पावर 2015 निकालने के लिए ध्यान से देख लो ए क्या चीज है तो ए की पावर 2015 निकालने के लिए तो ए इज नथिंग बट 1101 दैट इज 1001 प्लस 0100 सो दैट इज आई प्लस दिस मटेरियल मैट्रिक्स बी ए तो ए की पावर 2015 करने के लिए इसकी पावर 2015 करने की कोशिश करेंगे हम अगेन एक सेकंड काफी ज्यादा हाँ जी तो अब हम क्या करेंगे इसकी पावर 2015 करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप ये क्या चला जाएगा तुम्हारा 2015 सी जीरो ठीक आई प्लस 2015 सी वन बी प्लस 2015 सी टू बी स्केयर प्लस सोमटेल ठीक अब मेरे को मालूम है कि बी का स्केयर करूंगा तो बी स्केयर क्या जाएगा मेरा 0100 इंटू 0100 ठीक दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा 0000000 तो ये 00 चला जाएगा कहने का मतलब ये सारे के सारे जीरो चले जाएंगे तो आंसर आएगा ये तो आंसर क्या है मेरा दिस इज वन इंटू आई तो दैट इज आई प्लस 2015 सी वन दैट इज 2015 इंटू बी दैट इज 1001 प्लस 2015 इंटू बी दैट इज 0100 तो इन दोनों को करके सारे का सारी चीज क्या बन जाएगी 1 2015 01 सो दैट इज इक्वल टू ए की पावर 2015 सो दैट इज माय फाइनल आंसर ठीक है सोचो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे इस क्वेश्चन के अंदर ठीक
तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा, ठीक है। सबसे पहले अगेन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पी जो है ये ऑर्थोगोनल है, तो पी इंटू पी की पावर टी करूंगा तो ये आई होगा, ठीक। सबसे पहले तो ये स्टेप आया मेरे माइंड में, क्या कि पी जो है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है, तो अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है तो ये चीज हमारी क्या जाएगी, आई जाएगी। फिर मेरे को जो ये बीच में क्यू की डिफरेंट पावर्स निकालनी है, पहले मैंने वो निकाल के देखा वेयर क्यू इज पी ए पी की पावर टी, तो मैंने क्यू का स्क्वायर निकाल के देखा, ठीक। तो वो ये चीज आई बन गई, एक सेकंड, तो ये चीज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक। तो ये चला हट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर पी की पावर टी आ जाएगा, ऐसे क्यू क्यूब आ जाएगा पी ए की पावर थ्री पी टी आ जाएगा। इसी तरीके से हमने देखा कि क्यू की पावर 2015 जो है वो क्या जाएगा, पी ए की पावर 2015 एंड पी की पावर टी, इस तरीके से ये चीज बननी शुरू हो जाएगी, ठीक। अब जैसे ये चीज बन गई P A की पावर 2015 एंड P की पावर T, ठीक। तो इसके बाद ये आ गया Q की पावर 15। अब हमें निकालना क्या है, ठीक है, हमें निकालना है P की पावर T इंटू Q की पावर 2015 इंटू P, ठीक। तो हमें ये चीज निकालनी, हमें निकालना है ये चीज। तो हमने क्या किया, ये जो Q की पावर 2015 की वैल्यू रख दी, तो ये P की पावर T एज इट इज, ये लास्ट वाला P एज इट इज, और बीच में ये आ गया तुम्हारा Q की पावर 2015। और देखो ये चीज मिलके आई हो गया, ये चीज मिलके आई हो गया, तो बचा ये चीज, और बेसिकली टू ए की पावर 2015। अब ए की पावर 2015 को निकालने का तरीका ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया हुआ है, बी स्क्वायर नल मैट्रिक्स चला जाएगा, तो सिर्फ फर्स्ट टू टर्म जो है इसकी वही आंसर आएगा, ये दो टर्म बाकी सब जीरो चले जाएंगे, तो बचा ये आई और ये बचा 2015 इंटू बी, ठीक। दैट इज आई प्लस 2015 इंटू बी, तो इनकी वैल्यू एड करके ये बन गया, तो ए की पावर 2015 ये आ गया, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो क्या गया, डी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट, प्लीज कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में नहीं समझ में आया, ठीक है, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग किस्म के क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस में क्लास में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज मोस्ट वेलकम, क्लियर होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी दक्ष, क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ जी अनन्या? यस सर। ठीक 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 है। अच्छा अगर ये हो जाए तो नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक। सिक्स्थ क्वेश्चन करके मेरे को बताओ क्या आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का है तो ये तो तुम प्रॉपरली सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो बताओ जरा क्या करोगे, कैसे करोगे, जी थ्री। ओके बी ऑप्शन, बी इसका डी ऑप्शन बोल रहा है ये तो।
हो सकता है मेरे पास जो है वो गलत भी हो, ठीक है कोई बात नहीं देख लेते हैं। ए ऑप्शन। चलो सबका अलग अलग आ रहा है, ठीक है तो दोबारा देखते हैं इसको क्या मेथड। देखो इसका बहुत सिंपल है बाय द वे, मेथड कोई मुश्किल नहीं है इसका, ठीक है वो तुम्हें क्लियरली जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है अगर तुम्हें पूरा का पूरा प्रोसेस याद है ठीक है तो देख के भी क्लियर हो जाएगा कि रोज को ऐड कर दो या कॉलम्स को ऐड कर दो तो उसके थ्रू इसका अप्रोच बहुत इजीली की जा सकती है, ठीक अप्रोच किया जा सकता है इसको। तो ध्यान से देखो जरा क्या जा रहा है ये, दैट इज कॉस साइन 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 कॉस साइन 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 कॉस इज इक्वल टू जीरो। तो सी वन की जगह सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर दिया तो ये बन जाएगा कॉस प्लस टू साइन, ठीक कॉस प्लस टू साइन कॉस प्लस टू साइन साइन कॉस साइन 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 कॉस का डिटरमिनेंट जीरो तो कॉस प्लस टू साइन बाहर, वन साइन साइन वन कॉस साइन वन साइन कॉस इज जीरो। अब हमने क्या किया रो टू की जगह रो टू माइनस रो वन एंड रो थ्री की जगह रो थ्री माइनस रो वन तो ये चीज बन जाएगी हमारी ये चीज बन जाएगी हमारी देखो कॉस प्लस टू साइन वन साइन साइन वन माइनस वन जीरो कॉस माइनस साइन एंड साइन माइनस साइन जीरो वन माइनस वन जीरो साइन माइनस साइन जीरो कॉस माइनस साइन, ठीक डिटरमिनेंट तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ठीक दैट इज कॉस प्लस टू साइन इंटू तो वन इंटू दिस इंटू दिस तो कॉस माइनस साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है तो आइदर cos is equal to sin पहली बात तो ये और cos is equal to minus two sin तो in fact sin cos को divide कर दिया और minus two को इधर लेके आ गया तो ये tan बन जाएगा मेरा minus one by two, ठीक तो basically यहाँ से आ गया tan is equal to one या फिर tan is equal to minus one by two ये दो आएंगे, ठीक अब इन दोनों को देखना हमें कहाँ पे इसके बीच बीच में कहाँ पे जाएगा, ठीक तो पहली बात तो भाई जी फाइव बाई फोर पे वन होता है, ठीक तो हमें क्या देखना है tan x इज इक्वल टू वन एंड tan x इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब tan x का ग्राफ याद करो ठीक ये इस तरीके से ये तो यहाँ पे होता है वन एंड माइनस फाइव बाई फोर पे होता है माइनस वन एंड फाइव बाई फोर, हाँ तो माइनस फाइव बाई फोर पे माइनस वन एंड फाइव बाई फोर पे वन होता है, ठीक एंड इसके बीच बीच में अब ध्यान से देखो तो मेरे को ये देखना है कि ये वाली जो वैल्यूज है ठीक एक सेकेंड ना हाँ तो मेरे को देखना है कि वन कब आएगा, ठीक तो वन आ रहा है पाई बाय फोर पे, ठीक तो पाई बाय फोर पे विच इज इंक्लूडेड तो बिल्कुल सही एक आंसर आ गया। फिर मेरे को देखना है माइनस हाफ कब आएगा, ठीक अब ध्यान से देखो ये माइनस फाइव बाई फोर के बीच बीच में अगर माइनस फाइव बाई फोर पे वैल्यू जा रही है माइनस वन, ठीक माइनस फाइव बाई फोर पे वैल्यू जा रही है माइनस वन एंड जीरो पे वैल्यू जा रही है जीरो तो बीच में कभी ना कभी ये माइनस हाफ भी होगा ही होगा, ठीक इसके दो आने चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा कौन सा आ रहा है बताओ जरा
एक गलती से कंसीडर कर लिया एक। ठीक, उसने बोला डिस्टिंक्ट की बात की है उसने, डिस्टिंक्ट ट्रेल रूट्स। तुम्हारा और कोई आ रहा है किसी का? आर्यन, दक्ष, अर्नव, ओ सॉरी अर्नव, दक्ष, बाकी नहीं किसी ने कोई किया हो? शुभम? नहीं। सर, सॉल्व नहीं हुआ था सर, अच्छा, अभी समझ में आया क्या करना है? आगे। ठीक है, चलो तो 7th क्वेश्चन देखो जरा, 7th क्वेश्चन देखो जरा क्या करोगे। कि सर पहले कॉमन ले लेते हैं वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, निकाल के देखो जरा, बाकियों को सोचने दो। हाँ जी, हुआ हेलो। लगे सर सर, बस कर लास्ट रहे चैप्टर। हैं। ओके ओके, जिनको नहीं पता चला ठीक, वो देखो जरा क्या करना। देखो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की पावर 2016 -2 ए की पावर 2015 माइनस ए की पावर 2014। ए की पावर सर डी 2014 कॉमन ले ऑप्शन। लिया, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। ए की पावर 2014 बाहर ले लिया, बन गया ए स्क्वायर -2 ए -i, इस तरीके से। अब इसका डिटर्मिनेंट तो अलग अलग हो जाएगा, डिटर्मिनेंट तो ये बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट की पावर 2014 इंटू ए स्केयर -2 ए -i का डिटरमिनेंट। ठीक, अब ए डिटरमिनेंट तो मेरे लिए निकालना बहुत सिंपल है, बाय द वे। ठीक, तो ए डिटरमिनेंट निकालना मेरे लिए बहुत सिंपल है। अब ध्यान से देखो जरा, ए डिटरमिनेंट वगैरह हमें दे रखा है तो उसी के थ्रू निकालेंगे बहुत क्विकली। तो ए का डिटरमिनेंट क्या जाएगा तुम्हारा -4। ठीक, तो ए इज दिस ना, ए का डिटरमिनेंट क्या जाएगा तुम्हारा -4 -3। ठीक, तो -3 यानी कि +3 हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। -1 की पावर 2014 तो ये डी तो ऑप्शन। +1 चला जाएगा, तो सिर्फ ये चीज बची। तो ए स्क्वायर निकालना है हमें, तो दैट इज -4 -1 3 1 इंटू -4 -1 3 1, तो दैट इज इक्वल टू 16 -3। हाँ जी ठीक, डी डी। हाँ जी भाई,
ये जा रहा है 16 माइनस 3 तो दैट इज 13, फिर जा रहा है ये माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस 4 एंड माइनस 1, ठीक, तो 4 माइनस 1 3, माइनस 12 प्लस 3, माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 एंड माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ठीक, ये चीज आ रही है ए स्क्वायर माइनस 2 है। तो अब ध्यान से देखो, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए दैट इज माइनस 4 माइनस 1 3 1 एंड माइनस आई, तो माइनस 1 0 0, ठीक, तो ये चीज जा रही तुम्हारी 13 प्लस 8 माइनस ऑफ माइनस 4 8, 13 प्लस 8 माइनस 1 तो दैट इज 20, ठीक। देन जा रहा है 3 प्लस 2 5 एंड माइनस 9 माइनस 3 टू द 6, तो माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 एंड लास्ट में जा रहा है तुम्हारा माइनस 2 प्लस 2 सॉरी माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 100 एंड माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 15 पंद्रह 75, तो माइनस 25, तो डी इज द ऑप्शन। क्लियर हुआ सेवंथ का? ठीक ठीक है, इस तरीके से ये चीज हमारी जा रही है, ठीक। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, एट्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एट्थ क्वेश्चन को क्विकली करने का तरीका क्या हो? अल्फा को 2 ले लो, बीटा को 3 ले लियो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। जिनको नहीं पता चला वो ध्यान से देखो, उन्होंने क्या कंडीशन दे रखी है कि अल्फा एंड बीटा जीरो नहीं होने चाहिए एंड एफ ऑफ एन होना चाहिए अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, देन ये वाली वैल्यू दे रखी है। अब खुद सोचो, जब मैं यहाँ पे अल्फा सॉरी एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ फोर एफ ऑफ टू निकालूंगा तो वो ज्यादा जाएगा मेरा अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू अल्फा की पावर फोर माइनस बीटा की पावर फोर, तो वो इधर रख के प्रॉपरली सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज का परफेक्ट तरीका जो है हमारे पास सोल्व करने का, ठीक है, तो वो क्या जाएगा, दैट इज बहुत सिंपल जुगाड़ू तरीका, ठीक है। किस तरीके से जाएगा हमारा, दैट इज हमने क्या किया कि इस चीज को अल्फा को हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक, 2 ले लिया एंड बीटा को हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू 3 ले लिया, क्योंकि बराबर भी उन्होंने चाहिए अदरवाइज यहाँ पे 0 चला गया, ठीक। तो ये लोगे तो वैल्यू पुट करो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डिराइव करो, पूरी की पूरी वैल्यू लिखो, तो वहां से इक्वल करके के की वैल्यू आ जाए, दैट्स इट। तो बहुत सिंपल चीज जो है ये चली जाएगी, ठीक है। तो नाइन्थ का देखो जरा क्या करोगे, हाँ जी नाइन्थ क्वेश्चन देखो जरा, बी स्क्वायर नल मैट्रिक्स दिया तो सारी आगे की उसकी नल बिल्कुल और ये हो जाएगा, फिर वो कट जाएगा 50 भी, बिल्कुल सही अप्रोच, बिल्कुल सही। एक सेकेंड ना, हाँ जी, तो अप्रोच तो बिल्कुल सही है तुम्हारी, ठीक। क्या इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये 50C0I प्लस 50C1B प्लस 50C2B स्क्वायर प्लस सोन माइनस 50B, ठीक, ये चीज का डिटरमिनेंट निकाल रहा है। अब बी स्क्वायर क्योंकि जीरो दे रखा है तो बी क्यू बी की पावर फोर, तो ये सारे के सारे चीजें जीरो, ठीक, ये 50B एंड ये 50B, ये भी खत्म हो जाएगा तो बचेगा ये आई, तो आई का डिटरमिनेंट वन होता तो वन आंसर आ जाएगा, ये तो ओनली होने वाला क्वेश्चन। हाँ जी नाइन्थ क्वेश्चन में डाउट है किसी को, प्लीज क्लियर हुआ ये कैसे करना है नाइन्थ क्वेश्चन, प्लीज सारे बताओ जरा। यस सर। स्तुति क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक ठीक ठीक, तो टेंथ क्वेश्चन बताओ जरा क्विकली कैसे करोगे, सोच के बोल। इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो तो फिर उसका भी इनवर्स निकालो दूसरा। नहीं थोड़ा गलत बोल रहा है, ध्यान से पहले सोच फिर बोल। सर राइट हैंड साइड को उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे आइडेंटिटी में। बिल्कुल सही, अरे इसको समझो कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन की फॉर्म में तुम्हें दे रखा है, तो a into sum matrix that is equal to तुम्हें 0 0 1
100 दे रखा है, तो इसको मैनिपुलेट करके एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, एक कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन तुम्हारे अप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई मतलब सेकंड एंड थर्ड के ऊपर जब एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई होता है तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके तुम्हें इस चीज को आई में कन्वर्ट करना है एंड ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ए का इनवर्स जो है ये बी आ जाएगा दैट केस, तो करो जरा जल्दी इसको आई में कन्वर्ट करो, जल्दी जल्दी करो, कॉलम वन कॉलम थ्री को एक्सचेंज कर दो, करो 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 करके बताओ, और बी ऑप्शन क्या क्या बी, ओके बी ऑप्शन तो बी ऑप्शन बन रही है, बिल्कुल, तो सबसे पहले हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया, ये जो आ रहा है हमारे पास दैट इज कॉलम टू एंड कॉलम थ्री, ठीक, फिर इनको, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करना, ठीक, तो पहले इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा टू टू वन, फिर इन दोनों को दैट इज वन जीरो जीरो एंड ये थ्री थ्री वन, इस तरीके से ये आ जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन आया। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें, आदित्य क्लियर हुआ कैसे करना है? यस सर। हाँ जी, दिया क्लियर हुआ? Yes, sir. काव्या? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन बताओ जरा क्या करोगे? सर इसका डबल डेरिवेटिव 0 होगा, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, चिराग डबल डेरिवेटिव किसका, ए का? सर 11th की पूछ रहे हो, 11th पूछ रहा हूँ, 11th के अंदर डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव गलत बोल रहा तू, पहली बात तो क्वाड्रेटिक का डबल डेरिवेटिव जीरो नहीं होता भाई, क्वाड्रेटिक का डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, हाँ भाई पहले दोबारा सोचो फिर बताओ क्या आएगा, सी, तो डिग्री थ्री का बोल रहे हो तुम, गलत है भाई, दोबारा सोचो, सब बी, बी अभी भी गलत है भाई, हाँ जी शुभम कोई आइडिया कैसे करना है? कि अगर पहले डिटर्मिनेंट ले ले किसका, बी एक्स का, बी एक्स का, बिल्कुल सही, तो पहले इसका डिटरमिनेंट लिया हमने,
कि ax और ax के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट तो सेम होगा वैसे. बिल्कुल बिल्कुल. तो bx का डिटरमिनेंट जो है वो आ जाएगा ax का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इनटू ax का डिटरमिनेंट, सो दैट इज इक्वल टू ax का डिटरमिनेंट का स्क्वायर. तो हमें ax का डिटरमिनेंट चाहिए. ठीक. फिर पता है ये क्लास में कराया हुआ मैंने, मतलब लेक्चर्स के अंदर मैंने करवाया हुआ ये चीज. कोई नहीं सोचो. हाँ जी ध्यान से देखो सर, जो ए डिटरमिनेंट निकालने की हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ए डिटरमिनेंट हमने देखा क्या जा रहा है. ठीक. दैट इज नथिंग बट पी वन एक्स, पी टू एक्स, पी थ्री एक्स एंड पी वन डैश एक्स, पी टू डैश एक्स, पी थ्री डैश एक्स. ठीक. देन एक सेकेंड. हाँ जी हाँ जी. तो पी टू डैश एक्स, पी थ्री डैश एक्स, पी वन डबल डैश एक्स, पी टू डबल डैश एक्स एंड पी थ्री डबल डैश एक्स. ठीक ही आ गया. अब हमने निकाला ए डैश एक्स. ठीक. डेरिवेटिव, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव निकाला. अब डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव तुम्हें याद होगा कैसे निकालते हैं, राइट. तो डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पहले रो वाइज हम डेरिवेटिव निकालेंगे, पहली रो का बाकी दोनों एज इट इज, फिर सेकंड रो का बाकी दोनों एज इट इज, फिर थर्ड रो का बाकी दोनों एज इट इज, या फिर कॉलम वाइज, पहले कॉलम का बाकी दोनों एज इट इज, दूसरे कॉलम का फिर बाकी दोनों एज इट इज, इस तरीके से.
अब ध्यान से देखो, इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या जाएगा, पहला इसका डिटरमिनेंट डेरिवेटिव, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव निकाल रहे तो आ जाएगा पी वन डैश एक्स, पी टू डैश एक्स, पी थ्री डैश एक्स एंड बाकी ये दोनों एज इट इज, तो पी वन डैश एक्स, पी टू डैश एक्स, पी थ्री डैश एक्स एंड इधर पी वन डबल डैश एक्स, पी टू डबल डैश एक्स, पी थ्री डबल डैश एक्स प्लस, ठीक अब ये वाला कॉलम एज इट इज, तो पी वन, पी टू, पी थ्री एज इट इज एंड पी वन डबल डबल डैश, पी टू डबल डैश, पी थ्री डबल डैश डबल डेरिवेटिव एज इट। अब इसका डेरिवेटिव होगा आ जाएगा पी वन डबल डैश, पी टू डबल डैश, पी थ्री डबल डैश प्लस फिर तीसरा वाला इसका डबल इसका डेरिवेटिव होगा एंड फर्स्ट टू नो दोनों एज इट इज, तो पी वन, पी टू, पी थ्री, पी वन डैश, पी टू डैश, पी थ्री डैश एज इट इज एंड इधर आ जाएगा पी वन डबल ट्रिपल डैश, पी टू ट्रिपल डैश, पी थ्री ट्रिपल डैश। ध्यान से देखो इन तीनों का सम जो है ये जा रहा है हमारा ए का डेरिवेटिव, ठीक। और देखो इसके अंदर फर्स्ट टू कॉलम सेम हो गए तो इसका डिटरमिनेंट जीरो, इसके अंदर सेकंड एंड थर्ड कॉलम सेम हो गए तो इसका डिटरमिनेंट जीरो एंड क्वाड्रेटिक का ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो होता है तो ये वाला पर्टिकुलर कॉलम ही जीरो चला जाए, इन दैट केस तीनों के तीनों जीरो, यानी कि ए का जो डेरिवेटिव है डिटरमिनेंट का वो जीरो जा रहा है। तो अब किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन का, यानी कि जो ए ऑफ एक्स है ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव जो है डिटरमिनेंट जो है ये कॉन्स्टेंट फंक्शन। देखो दो टर्म्स यूज हो रही हैं, उन दोनों को कंफ्यूज मत करना, डेरिवेटिव एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ए का जो डिटरमिनेंट है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि ए के डिटरमिनेंट का जो डेरिवेटिव है वो जीरो जा रहा है। तो अगर ए का डिटरमिनेंट अगर हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो उसका स्केयर करोगे वो भी कॉन्स्टेंट फंक्शन रहेगा, यानी कि ये जो चीज है इट्स अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, यानी कि बी का जो डेरिवेटिव है इट्स अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन So it does not depend on x. ये x के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आई होप क्लियर हुआ 11th का। हाँ जी क्लियर हुआ 11th क्वेश्चन कैसे किया, अर्नब क्लियर हुआ? Yes, sir. तेरा गलत क्यों आ रहा था? Sir, मैंने एक्चुअली एक जुगाड़ उत्तर का ट्राई किया था। Okay. जहाँ पे मैंने बस डिग्री चेक कर ली थी और फिर उसको स्क्वायर कर दिया था। ठीक, अभी क्लियर हुआ कैसे करना है प्रॉपर? Yes, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो अभी आज हमने डिस्कस किए हैं इनको प्लीज थोड़ा याद रखो, ठीक है। एंड चलो वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू। एंड थोड़ी देर में मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, होमवर्क दे दूंगा।